सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हम आपके लिए ऑफिस स्पेस बहुत सारा लेके आए हैं, और वो भी सॉल्ट लेक एरिया में। आप यदि ऑफिस ढूंढ रहे हैं बहुत ही कम कीमत में, तो यहाँ पे बहुत ही शानदार आपके लिए ऑफिस स्पेस मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। ए टू जेड 6,350 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मिलने वाला है, यानी कि 6,350 रुपीज़ करके पर स्क्वायर फीट मिलने वाला है। और इसका जो बॉक्स प्राइस कितना होने वाला है, ये लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सब कुछ बताने वाले हैं। इसमें क्या क्या किस तरह से क्या आपको एमिनिटीज़ वगैरह मिलने वाला है। बहुत सारा ऑफिस स्पेस में एमिनिटीज़ वगैरह नहीं होता है, तो एमिनिटीज़ वगैरह क्या क्या होने वाला है वो भी आपसे बात करने वाले हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे जो ऑफिस स्पेस है बहुत ही सस्ता में आने वाला है। इस तरह का ऑफिस स्पेस बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसी विषय में आपसे बात करने वाले हैं। चलिए आपको सब कुछ दिखाते हैं। इसका लोकेशन कैसा है, कनेक्टिविटी कैसा है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए आप। ये आपका लोकेटेड है इन द हार्ट ऑफ सेक्टर 5, और ये जहाँ पर लोकेटेड है एकदम हार्ट ऑफ सेक्टर 5 है। अगर आप कनेक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे, एयरपोर्ट एकदम नज़दीक है, रेलवे स्टेशन इज़ नज़दीक है, मेरा मेट्रो ऑलरेडी यहाँ पर सेक्टर 5-2 शियालदा इज़ ऑपरेशनल ऑलरेडी हो चुका है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो का कॉरिडोर का जो एक्सटेंशन हो रहा है उसका भी काम चल रहा है, वो भी मोटा मोटी आने वाले कुछ साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। आप किसी भी लोकेशन में विद इन 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर आप पहुंच सकते हैं। आपका लोकेशन जो मेरा है, यहाँ से एयरपोर्ट एकदम ही नज़दीक है, रेलवे स्टेशन बिधननगर रेलवे स्टेशन इज़ एकदम ही नज़दीक है। ऑलरेडी मेरा यहाँ पर मेट्रो सेक्टर 5 में अप टू शियालदा ऑपरेशनल हो गया है, जो कि ना आगे जाके ईस्ट वेस्ट मेट्रो के साथ जुड़ने वाला है, जो कि ना अप टू हावड़ा तक जाएगा। प्लस और एक मेट्रो है जो सदर्न गड़िया का न्यू गड़िया से लेके एयरपोर्ट तक जाने वाला है। हाँ, न्यू गड़िया से लेके एकदम एयरपोर्ट तक जाने वाला है, उसका भी काम चल रहा है। हाँ। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत सुविधा है। कलकत्ता का कहीं पर भी आप किसी भी लोकेशन पे आप चले जाइए, यहाँ पर इतने सारे मेन रूट से EM बाईपास से कनेक्टेड है। विथ मा फ्लाई ओवर देयर आप सेंट्रल कलकत्ता पहुँच सकते हैं 15-20 मिनट के भीतर। आप एयरपोर्ट कितना समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन बाहर रहने वाले लोग जो है एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और एयरपोर्ट से आपका सेक्टर 5 पहुँचने में सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। मैक्सिमम अगर यहाँ से आप न्यूटन का रास्ता पकड़ के जाएंगे तो मैक्सिमम आपको 15 मिनट लगेगा। 15-20 मिनट यहाँ से आपका रीच कर जाएंगे, वो न्यू टाउन होके आपका सीनर पार्क वाला एरिया। हाँ। पकड़ के आप जाएंगे तो इजीली, और ये रास्ता एकदम पूरा नीट एंड क्लीन है, 6 लेन है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फ्यूचर में यदि आप एयरपोर्ट से रीच करना चाहते हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह, यदि आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप चाहे तो मुंबई से भी इस ऑफिस को ऑपरेट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत शानदार सा बात है। मुंबई से क्या, इंडिया का कहीं से भी आप ऑफिस को ऑपरेट कर सकते हैं। एकदम एकदम। और सेक्टर 5 यदि कोलकाता में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेक्टर 5 को नहीं भूल सकते। और एक चीज में बताना चाहूंगा, सेक्टर 5 इज मॉडर्नाइज्ड CBD ऑफ कलकत्ता। अच्छा। यहाँ पर जितना भी बड़ा बड़ा IT कंपनीज है, सबका प्रेजेंस यहाँ पर है। अच्छा। जितना भी IT कंपनी बोल लीजिए, आपका कॉग्निजेंट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, सीमेंस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस का कैंपस आने वाला है यहाँ पर ऑलरेडी। तो जितना भी IT बड़ा बड़ा कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, सबका ऑफिस यहाँ पर है। दूसरा चीज़ है, यहाँ पर जो स्टार्टअप ऑफिस या IT, यहाँ पर पहले आदमी लोग समझता था कि सेक्टर 5 इज़ ओनली फॉर IT कंपनीज, मगर आज के डेट में क्या हो गया है, सेक्टर 5 इज फॉर एवरीबॉडी। हर सेक्टर के लिए यहाँ पे ऑफिसेस है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो आपका किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग हब हो, सबका ऑफिस आपको सेक्टर 5 में मिल जाएगा। तो यदि आप स्टार्टअप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना एक ऑफिस करना चाहते हैं, तो आपका ऑफिस होना चाहिए यहाँ पे। बहुत लिक्रेटिव साइजेस है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप अपना खुद का बिजनेस चालू करेंगे, खुद का इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, तो आपको छोटा ऑफिस का भी स्पेस मिलेगा, प्लस बड़ा ऑफिस का भी ऑप्शंस यहाँ पर मिलेगा। ये पूछना चाहते हैं, कई लोग क्या करते हैं ना, ऑफिस लेके उनको रेंट पे
लगाना चाहते हैं, जिससे कि उनका रेंटल इल्ड भी बढ़िया सा मिल सके, क्योंकि कमर्शियल स्पेस में रेंटल इल्ड काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा वो बताएंगे मुझे आप? सर, अगर मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ तो हम लोग ये प्रोजेक्ट करीबन 1.5 साल पहले लॉन्च किए थे, तो वी हैव ऑलरेडी यील्ड रिटर्न ऑफ नियर अबाउट मोर देन 45%। अच्छा, ठीक है। तो अभी मेरा रेट चल रहा है 6,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अच्छा, जो कि सबसे मतलब कम रेट यहाँ माना जाएगा, कि और भी मतलब ऐसे है? नहीं, इससे कम रेट में भी मिल रहा है कुछ, लेकिन इस तरह का सुविधा एमिनिटीज नहीं मिलने वाला है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आपको मिलेगा नहीं, आपका रेडी टू मूव इन में कुछ डिस्ट्रेस सेलिंग वगैरह प्रॉपर्टी में इससे कम में शायद मिल सकता है, मगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको हम लोगों का जो रेट है इस तरह का रेट आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, एज पर रेंटल इल्ड, अभी जो रेंटल इल्ड यहाँ पर चल रहा है आसपास में करीबन 70-80 रुपए के आसपास में चल रहा है यहाँ पर, वो पर स्क्वायर फीट, वो डिपेंड कर रहा है बिल्डिंग का कंडीशन के ऊपर बट वी एक्सपेक्ट के जैसे अभी मेरा बिल्डिंग का अंडर कंस्ट्रक्शन पे बिल्डिंग मेरा है, मेरा अभी लोअर बेसमेंट का काम ख़त्म हुआ है, वी हैव 2 बेसमेंट्स, तो लोअर बेसमेंट का काम ख़त्म होने को आया है, अभी अपर बेसमेंट का काम चालू होगा। एक बार जब बिल्डिंग मेरा दिखने लगेगा तो ऑटोमेटिकली मेरे रेट का भी अप्रिसिएशन होगा, प्लस आज के डेट में जो मेरा जो बिल्डिंग का फिनिशिंग है जिस तरह का आपको दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का, इस तरह का बिल्डिंग आपको कलकत्ता में हार्डली दिखाई देगा। कलकत्ता की एलिवेशन का बात कर रहे हैं कि कैसा है? आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिवेशन, इस तरह का एलिवेशन आपको कलकत्ता में हार्डली दिखाई देगा। आई विल रादर से आपको ईस्टर्न इंडिया में शायद इस तरह का एलिवेशन दिखाई नहीं देगा। दिस इज गोइंग टू बी द टॉक ऑफ द टाउन, इतना मैं बोल सकता हूँ। यानी कि सॉल्ट लेक में सबसे खूबसूरत यदि आपका ऑफिस स्पेस होने वाला है तो ये है इमामी का। एग्जैक्टली, इमामी बिजनेस बे। मेरा प्रोजेक्ट का लैंड एरिया है 1 एकड़, दैट इज 60 कट्ठा। ये टोटली आपका स्क्वायरिश शेप मेरा लैंड है यहाँ पर। अच्छा, मेरा प्रोजेक्ट में 2 बेसमेंट है। अच्छा, फिर ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर जिसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ पर अपर ग्राउंड फ्लोर बोल रहे हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ रिटेल शॉप दे रहे हैं, मगर आज के डेट में मेरा रिटेल शॉप इज़ नॉट अवेलेबल, ऑल सोल्ड आउट है। फिर मेरा 3 लेवल पोडियम कार पार्किंग है। अच्छा, तो मेरा डबल बेसमेंट हो गया और 3 लेवल पोडियम कार पार्किंग हो गया। फिर मेरा ऑफिस स्पेस जो शुरू हो रहा है, जो आप अगर आप ब्रोशर में हम लोगों का देखेंगे वहाँ पर मेंशन किया हुआ है फर्स्ट फ्लोर, बेसिकली वो मेरा एक्चुअली बिल्डिंग का 5th फ्लोर है। अच्छा, बिल्डिंग का फिजिकली वो 5th फ्लोर है। अच्छा, तो ये मेरा जो बिल्डिंग बन रहा है ये G+19 का बिल्डिंग बन रहा है। ये अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा बिल्डिंग में बहुत सारा USP है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो USP मेरा इस बिल्डिंग का है वो है फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन कोलकाता विथ एल्युमिनियम पाइप्स फिनिश। अच्छा, जो कि किसी भी बिल्डिंग में अभी तक तो हमको नहीं लगता कि यूज किया गया होगा। मेरे को तो अब मेरा नॉलेज पे तो एटलीस्ट है नहीं क्या कलकत्ता में इस तरह का एल्युमिनियम पाइप्स दे के बिल्डिंग बनाया जा रहा है, बिल्डिंग का फसाद बनाया जा रहा है। प्लस मेरा जो डबल एंट्रेंस लॉबी है वो डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी है विथ परफोरेटेड फाइबर रीइंफोर्स्ड सीलिंग है। उसमें एडवांटेज क्या है, उसमें आप जनरली बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग में जाएंगे वहाँ पर भी डबल हाइटेड मिलता है, मगर वहाँ पर थोड़ा बहुत अंधेरा सा छाया हुआ रहता है। ये परफोरेटेड फाइबर रीइंफोर्स सीलिंग होने से क्या होता है, कम रोशनी में आपका उजाला ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कम कंजम्पशन कम होता है क्योंकि वहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। बढ़िया। वी आर प्रोवाइडिंग इटालियन मार्बल फ्लोरिंग अलोंग विद अ प्लश ग्रेस सिटिंग एरिया वेटिंग एरिया इन द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, एमिनिटीज कैसा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में ऑफिसेज वगैरह है एमिनिटीज़ के नाम पे लिफ्ट और कार पार्किंग भी मिल जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है? इसमें हम लोगों का एमिनिटीज़ जो है, ये बिल्डिंग का एमिनिटीज़ हम लोग टोटल रूफ टॉप पे दे रहे हैं। हम लोगों का बिल्डिंग में वी आर प्रोवाइडिंग ओपन जिम, वी आर प्रोवाइडिंग जॉगिंग ट्रैक, वी आर प्रोवाइडिंग कैफेटेरिया, आपको एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप्ड टेरेस
मिलेगा जहाँ पर यू विल फील यू आर कनेक्टेड विद द नेचर. व्हेन वी विल सिट सिट देयर वी आर प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल क्रिकेटिंग टर्फ एंड सॉकर टर्फ. तो इस तरह का एमिनिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, जो कि ना मेरा रूफ टॉप पे है. जैसे कि रेसिडेंशियल में लोग फील करते हैं, ऐसा लगता है कि घर पे ही है, ऑफिस में नहीं है. Exactly. आप लोग प्लानिंग किए हैं कि घर वाला ऑफिस बना दे. एक्चुअली हम लोग का प्लानिंग है, देखिए ऑफिस पे, ऑफिस में जनरली क्या होता है, ऑफिस स्पेस में हम लोग का, हम लोग सुबह घुसते हैं, हम लोगों का दिन का मैक्सिमम टाइम ऑफिस स्पेस में ही हम लोग बिताते हैं. तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, टू कीप आवर सेल्फ लिटिल बिट हेल्दी, टू चीयर अप. आप मान लीजिए आपका ऑफिस में आप छोटा एक पार्टी देना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, यू कैन डू इट इन द टेरेस इट सेल्फ. वहाँ पर इतना सारा एमिनिटीज़ है, छोटा एक कोई एक्टिविटीज़ आप लोग अपना ऑफिस के लिए करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को बाहर में जाके किसी हॉल वगैरह बुक करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ही आप कर सकते हैं. तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, एम्प्लॉय का बात सोच के, एम्प्लॉयर का भी बात सोच के, हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड यहाँ पर कर रहे हैं. एक सवाल रहता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पार्किंग को लेके. जितना भी मेट्रो सिटी है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग का. तो मुझे बताइए कि पार्किंग किस तरह से मिलने वाला है. सर हम लोग यहाँ पर पहले दिन से, जिस दिन से हम लोग का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, हम लोग का पहले दिन से ये रहा है, एक ऑफिस के साथ एक कार पार्किंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे. अगर किसी का रिक्वायरमेंट एक ऑफिस के साथ दो कार पार्किंग की भी होगा, हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. एंड वी हैव मेंटेन टिल डेट नाउ, अभी तक हम लोग वो मेंटेन किए हैं, ताकि हम लोग के यहाँ पर कार पार्किंग का शॉर्टेज ना हो. क्योंकि यहाँ पर सेक्टर 5 बोलिए या कलकत्ता में बोलिए, कि कोई भी CBD एरिया में कार पार्किंग को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो ये वो प्रॉब्लम ताकि ना हो, वी आर प्रोवाइडिंग एम्पल कार पार्किंग स्पेस एंड विथ वन ऑफिस स्पेस वी आर प्रोवाइडिंग वन कार पार्किंग. बाद बाकी आपका पेड कार पार्किंग तो रहेगा ही बाहर में. अंदर में हम लोग कुछ विजिटर्स कार पार्किंग रहेंगे, क्योंकि हम लोग का कुछ रिटेल वगैरह है. और सबसे बड़ा बात है, यहाँ पर मेरा जो फ्रंटेज है, मेरा फ्रंटेज के अंदर कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है, पूरा क्लियर फ्रंटेज है. आपको दिखाई देगा इफ़ यू विजिट अवर साइट, पूरा क्लियर फ्रंटेज है. तो आप बाहर में भी कार पार्किंग रख सकते हैं. उल्टी तरफ में नवो दिगंत का पेड कार पार्किंग फैसिलिटीज़ है. तो यहाँ पर कार पार्किंग को लेके वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, जो दूसरी जगह में फेस करना पड़ता है. एक लास्ट क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस कितना आने वाला है. सर हम लोग हिसाब से देखिए, मेंटेनेंस हम लोग रखे हैं 5 रुपये पर, हम लोग ये सोच के, क्योंकि हम लोगों का डेडलाइन है हैंडओवर का, हम लोग जो बोल रहे हैं कि 2026 एंड में हम लोग हैंडओवर करेंगे. तो उस हिसाब से वी आर स्टैंडिंग इन 2023, इन मिड ऑफ 2023 हम लोग सोच के रखे हैं करीबन 5 रुपये के आसपास आना चाहिए. ये डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एमिनिटीज़ है. एक सबसे बड़ा एमिनिटीज़ एक तो है, आपको मैं रिसेप्शन लॉबी का बताया. दूसरा चीज़ है मेरा फ्लोर टू सीलिंग हाइट. फ्लोर टू सीलिंग हाइट यहाँ पर सेक्टर 5 में जितना भी बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुका है, मैक्सिमम बिल्डिंग लोगों का आपका 3 मीटर का होता है, मगर वी आर प्रोवाइडिंग स्लैब टू स्लैब का हाइट 4 मीटर का, जो कि ना करीबन 14 फीट के आसपास आएगा. तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, साइंस बोल रहा है. आपका अगर कमरा छोटा भी रहता है, फ्लोर टू सीलिंग का हाइट अगर ज़्यादा रहता है, तो जगह बड़ा दिखता है. हाँ वो तो है, जितना भी ऊपर रहेगा ना, तो आपको तो ऑटोमेटिकली ये एक एडिशनल एडवांटेज है. अपार्ट फ्रॉम दैट, विथ ऑल द ऑफिस स्पेस, वी हैव 180 ऑफिस स्पेस एंड 11 रिटेल यूनिट्स, टोटल 191 यूनिट्स है यहाँ पर. इन 180 ऑफिस स्पेस वी आर प्रोवाइडिंग आपका क्या बोलते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग आपका इनबिल्ट टॉयलेट, टॉयलेट का वी आर प्रोवाइडिंग इनबिल्ट टॉयलेट विद द ऑफिस, इन द ऑफिस. हम लोग बेयरशेल ऑफिस दे रहे हैं. बेयरशेल मतलब हम लोग फ्लोरिंग, वॉलपुट, ये सब कुछ नहीं करके देंगे. हम लोग टॉयलेट का प्रोविजन करके देंगे, इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन का प्रोविजन करके देंगे. फिनिशिंग आप अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा. यहाँ तक जितना भी हम लोग ऑफिसेस देखे हैं सेक्टर 5 में, वो क्या होता है कि बहुत सारा ऑफिसेस हो गया छोटा, जैसे 1000-1200 स्क्वायर फीट का हो गया, लेकिन जो टॉयलेट स्पेस होता है वो अलग से बनाया जाता है. तो उस तरीके से नहीं रहेगा, हर आपका ऑफिस में अटैच टॉयलेट का प्रोविज़न है.
ये हम लोग किए हैं इस कारण से क्योंकि हम लोग जब इसका प्लानिंग कर रहे थे, ये पोस्ट कोविड हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो आपका क्या होता है कॉमन एरिया में अगर आप टॉयलेट देते हैं तो उसका कंट्रोल नहीं रहता है, आपका ऑफिस वाला भी जा रहा है, बाहर से जो विजिटर्स आ रहा है वो भी जा रहा है, एवरीबॉडी इज़ यूजिंग दैट पर्टिकुलर टॉयलेट। तो उसमें क्या होता है, आप लिफ्ट से निकलते हैं हर वक्त, आप जब लिफ्ट कॉरिडोर में चलते फिरते हैं, वो उस कॉमन टॉयलेट का प्रॉपरली अगर मेंटेन नहीं होता है, साफ सफाई नहीं होता है, तो एक जर्म पैदा हो सकता है, स्मेल वगैरह आ सकता है। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, हम लोग वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग हर ऑफिस के साथ इनबिल्ट टॉयलेट का प्रोविजन प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो अपने हिसाब से अगर कोई बनाना चाहता है, एक टॉयलेट बनाना चाहता है, दो टॉयलेट बनाना चाहता है, टॉयलेट के साथ अगर पेंट्री भी बनाना चाहता है, तो टॉयलेट का इनलेट आउटलेट पॉइंट हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। तो उस हिसाब से आइदर वो छोटा ऑफिस हो चाहे बड़ा ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस मेरा है यहाँ पर 180 ऑफिस के साथ 180 टॉयलेट हर ऑफिस के साथ मिलेगा। और एक मेरा फाइनल क्वेश्चन है, ये लास्ट है, इसके बाद आप मतलब कि घर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसका बॉक्स प्राइस कितना आने वाला है, मतलब प्राइसिंग का लेके कितना रेट आने वाला है, अगर जो एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं तो मिनिमम कॉस्ट जो आने वाला है वो जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। सर आज के डेट में मेरा जो मिनिमम साइज़ अवेलेबल है वो है 1328 स्क्वायर फीट, विच इज़ अ सुपर बिल्ट अप एरिया, जिसमें आपको कारपेट एरिया करीबन 764 का मिलेगा। हम लोगों का सुपर बिल्ट टू कारपेट का कैलकुलेशन है 42.5%। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, इफ़ यू आस्क मी अबाउट द बॉक्स प्राइस, देन ये 1,08,00,000 से शुरू होता है मेरा बॉक्स प्राइस। This is including everything. This is including your office cost. This is including your car parking, your GST, your extra schedule, your deposits also. और रजिस्ट्री कॉस्ट? रजिस्ट्री कॉस्ट अलग है। वो छोड़ के बाद बाकी सब कुछ मिला के आपका पार्किंग वगैरह लेके सब कुछ लेके 1,08,00,000 से मेरा शुरू हो रहा है। एक और सवाल था जो कि रह गया था, रेडी टू मूव कब हो रहा है? हम आपको बताएं, हम 2026 एंड हम लोग बोल रहे हैं, मगर हम लोग हाथ में बफर टाइम 7-8 महीने रख के बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का प्लानिंग जो है क्योंकि देखिए हम लोग तो बेयर शेल ऑफिस दे रहे हैं, तो अगर हम पूरा कॉमन एरिया कंप्लीट करके देंगे तो बेयर शेल ऑफिस में ऑटोमेटिकली कोई आदमी किसी को मार्बल लगाना है, किसी को टाइल्स लगाना है, किसी को इंटीरियर करना है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉमन एरिया में यूज़ होगा तो कॉमन एरिया डैमेज होगा। तो वंस माय बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड, माय इंटीरियर वर्क विल स्टार्ट, आई विल आस्क द कस्टमर टू टेक द पोजीशन, ताकि वो अपना इंटीरियर काम चालू कर सके। क्योंकि एज पर आवर एक्सपीरियंस हम लोग ये चीज़ देखे, आप अगर 1,000 स्क्वायर फीट का भी जगह लेते हैं, 700-800 स्क्वायर फीट का भी जगह लेते हैं, तो आपको उसका भी इंटीरियर ख़त्म करने में 7-8 महीने आराम से लग जाएगा। आपको तो 1-1.5 महीना लग जाएगा आपका इंटीरियर वाले का फाइनल करने में, क्योंकि आप तो एक ही इंटीरियर वाले से बात नहीं करेंगे, आप 2-3 जन से बात करेंगे, उनसे कोटेशन लेंगे, फिर जहाँ सस्ता मिलेगा और बढ़िया मिलेगा वो क्वालिटी ऑटोमेटिकली। तो ये सब करते करते फिर उन लोगों का मटेरियल आते आते फिनिशिंग करते करते आप देखेंगे आपका भी 7-8 महीने लग जाएगा। तो आपका जब 7-8 महीने लगेगा तब तक मेरा बिल्डिंग का ऑटोमेटिकली सीसी आ जाएगा, तो मेरा बिल्डिंग भी रेडी हो जाएगा, आपका भी ऑफिस चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमको लगता है कि इतना इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए काफ़ी होगा। नंबर जो है डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट कमेंट में भी है, हमारे टीम को कॉल कीजिए और आइए इस जगह को, इस शानदार सा ऑफिस में, एक सेक्टर 5 में वन ऑफ द बेस्ट, जैसे बुर्ज खलीफा एक ही है वैसे सेक्टर 5 में ये बिल्डिंग का एलिवेशन इसी प्रकार से होने वाला है। यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, हम लोगों का जो आर्किटेक्ट है ही इज़ मिस्टर संजय पुरी, ही इज़ वर्ल्ड रेनाउंड आर्किटेक्ट, हम कलकत्ता का सबसे टॉलेस्ट टावर है D42, वो ही इज़ आर्किटेक्ट ऑफ D42 ऑल्सो। मैं उनके बारे में और थोड़ा बताना चाहूँगा, ही इज़ वन ऑफ द कंसल्टेंट ऑफ बुर्ज खलीफा ऑल्सो। हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, दे आर मल्टीनेशनल कंपनी, दे आर दुबई बेस्ड कंपनी, जितना दे आर स्पेशलाइज इन हाई राइज बिल्डिंग, तो दे आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन फॉर अस, we have given the contract to them, they are doing the construction.